दोस्तों मैं विकास कोहली आज YouTube पर लेके आया हूँ टेनिस के रिगार्डिंग वीडियो। दोस्तों जैसे ही आपको पता है इस बार मैं ओलंपिक्स मैन सिंगल सर्व कर रहा हूँ टोक्यो 2020। दोस्तों आज वीडियो है नंबर वन टॉप प्लेयर सीट प्लेयर की पोस्ट मैच एनालिसिस पर और बाकी प्लेयर्स की पोस्ट मैच एनालिसिस पर है वीडियो। दोस्तों बढ़ते हैं पहले मैच की ओर, नंबर वन सीट प्लेयर के मैच की ओर। पहला मैच था जोकोविच वर्सेस मैच था जो फकीना का, स्पेनिश के खिलाड़ी हैं और वो भी अच्छे खिलाड़ी थी, बट जोकोविच के आगे इस साल कोई भी टिक नहीं पा रहा हो ये जोकोविच बार बार बताते जा रहे हैं। पहला सेट उन्होंने कंफर्टेबली जीता, दूसरा सेट भी कंफर्टेबली जीता। पहला सेट 6-3 से जीता, दूसरा सेट 6-1 से जीता और इतनी कंफर्टेबली जीता उन्होंने, लग नहीं रहा था कि जोकोविच के आगे कोई खड़ा भी है। वो बहुत बेहतरीन तरीके से खेल रहे थे जोकोविच, और जोकोविच 3 मैच जीत चुके हैं, 3 उन्होंने और जीतने हैं मैच गोल्ड के लिए। अब क्या उनका सफर ऐसा रहा पाएगा जैसे अभी तक रहा है, अब ये देखना पड़ेगा कि अगला मैच कैसा होता है। अब अगला वो क्वार्टर फाइनल है, फिर सेमीफाइनल, फिर फाइनल, तो 3 मैच दूर है वो अपने गोल के लिए, पहला गोल्ड और गोल्डन स्लैम के खिताब की ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं वो धीरे धीरे। दोस्तों साथ में जोकोविच मिक्स डबल्स में भी चले गए हैं और मिक्स डबल्स में भी अपना पहला राउंड जीत गए हैं, और पहला राउंड जीतने का मतलब है कि वो क्वार्टर फाइनल में मिक्स डबल्स में पहुंच गए हैं, मिक्स डबल में भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। दोस्तों बढ़ते हैं सेकंड मैच के पोस्ट मैच एनालिसिस पर। सेकंड मैच लेके आया हूँ मैं स्टेफनोस सिसिपास। स्टेफनोस सिसिपास नंबर 4 सीड प्लेयर है, बहुत अच्छे प्लेयर है, बट जब से उन्होंने जोकोविच ने उन्हें हराया तब से वो फॉर्म से इतना सही नहीं रह पा रहे हैं, और इस बार जब वो आए थे बोले आई एम हेयर टू बीट जोकोविच, उन्होंने एक बार ये लाइन बोल दी, तो जब भी वो ऐसा हो रहा है तो सोचते हैं बीट करने का, वो खुद ही अर्ली राउंड में हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से उन्हें ऐसा करना चाहिए कि सिर्फ अपनी गेम पर कंसंट्रेट करना चाहिए, वेदर ही लूजेस और विन उन्हें ऐसा करना चाहिए। स्टेफनोस सिसिपास पहला मैच, पहली गेम तो वो जीते कंफर्टेबली 6-3 से, सेकंड गेम बट हार दी और थर्ड गेम भी हार दिया। सेकंड गेम बहुत टाइट चली, 6-6 पे चली, बट टाई ब्रेकर आया, टाई ब्रेकर उगो हम्बर्ट जीते। उगो हम्बर्ट रिसेंटली हाले ओपन हुआ था विंबल्डन से पहले, उससे वो चैंपियन रह चुके हैं, तो अच्छे खिलाड़ी हैं वो भी। और जो तीसरा सेट था, तीसरा सेट उगो हम्बर्ट ने आराम से जीत लिया, जो स्टेफनोस सिसिपास थी 2 बार सर्व ब्रेक की और 6-2 से जीत लिया आराम से, और उगो हम्बर्ट और गया सेमीफाइनल में पहुंच गए, वो भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। दोस्तों जोकोविच का जो मैच है वो अगला मैच हुआ है काई निशिकोरी के साथ, जो काई निशिकोरी का मैच था आज हमारा। काई निशिकोरी भी बढ़िया प्लेयर है और उनका मैच था काई निशिकोरी, काई निशिकोरी ने भी बहुत जबरदस्त मैच खेला और लगातार उन्होंने अपने ये वाला मैच भी जीत लिया है, 3 मैच लगातार जीते हैं। 2018 के बाद उन्होंने नंबर टॉप 10 प्लेयर को हराया था इस टोक्यो ओलंपिक्स में और अच्छे ही जा रहे हैं। इस बार उनका मैच था इवास्टा के साथ, पहला राउंड बहुत खतरनाक गया, 6-6 पे बराबरी थे सारे, टाई ब्रेकर हुआ, टाई ब्रेकर में टाई निशिकोरी ने दिखा दिया कि वो ब्रोंज मेडलिस्ट हैं ओलंपिक्स के, और उन्होंने बोला मैच सेट जीता। सेकंड जब सेट हुआ, सेकंड सेट में तो उन्होंने एक और इतिहास रच दिया, उन्होंने बेगल कर दिया 6-0 से जीता। अब उनका मुकाबला होगा क्वार्टर फाइनल में नोवाक जोकोविच के साथ, तो दोस्तों ये मैच बढ़िया हो सकता है अगर काई निशिकोरी बढ़िया प्रदर्शन करते हैं। और एक और मैच है जिसके मैं एनालिसिस लेके आया हूँ, वो है डैनियल मेडवेड, नंबर 2 सीड प्लेयर है डैनियल मेडवेड, वो भी बहुत अच्छे प्लेयर है। उनका मैच था फोबनिनी के साथ, वो भी अच्छे प्लेयर है डैनियल मेडवेड, जो 12 बोल थे एक्सट्रीम कंडीशन है, इस बार बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन है क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो रही है, टेनिस के लिए टेम्परेचर कूल बिल्कुल भी नहीं है देखा जाए तो, बहुत मुश्किल है टेनिस प्लेयर के लिए खासकर। बाकी गेम्स इजिली हो सकती है बट टेनिस की गेम इजिली होना नॉट पॉसिबल, बार बार लोग मिनट पे ब्रेक्स ले रहे हैं, बार बार पसीने ज्यादा आ जा रहे हैं, तो ऐसा हो रहा है। डैनियल मेडवेड पहला सेट जीते, दूसरा सेट हार दे, बट तीसरे सेट में उन्होंने जबरदस्त वापसी की और तीसरा सेट जीते और उन्होंने गेम में बने रहे हैं। अब वो अगले राउंड में पहुंच गए हैं आराम से, तो अगले राउंड में अब वो जब पहुंच गए तो लग रहा है कि इस बार टॉप प्लेयर पहुंचे हुए हैं, अगर स्टेफनोस सिसिपास भी जीते होते तो एक और टॉप प्लेयर होते, तो डैनियल मेडवेड तो जीत गए। और एक और बढ़िया सा मैच हुआ वो हुआ अलेक्जेंडर ज़ेवर वर्सेस निकोलस बसिहलिका। अलेक्जेंडर ज़ेवर ने फिर से इस बार अच्छा प्रदर्शन दिखाया अपना और उन्होंने अब वो आगे क्वार्टर फाइनल तक पहुंचा निकोलस बसिहली के साथ। पहला सेट तो उन्होंने 6-4 से जीता, दूसरा सेट में निकोलस बसिहली ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन बताया और अलेक्जेंडर ज़ेवर ने भी उतना ही अपनी सर्व होल्ड रखी, दोनों ने अपनी सर्व होल्ड रखी, लास्ट में जाके टाई ब्रेकर हो गया। जैसे ही टाई ब्रेकर हुआ अलेक्जेंडर ज़ेवर थोड़ा टाई ब्रेकर में ज्यादा अच्छा खेल पाए और वो वाला सेट जीत गया। पहला सेट वो पहले से ही जीते थे ओलंपिक्स में, जैसे 2 ही सेट होते हैं, तो वो कंफर्टेबली जीत गया, अगले राउंड में पहुंच गए हैं। तो दोस्तों
कल मैच होगा जोकोविच का और उनके सामने है ब्रोंज मेडलिस्ट। ऐसी बात नहीं है, जोकोविच भी ब्रोंज मेडलिस्ट है, उन्होंने भी ब्रोंज मेडल जीता हुआ है 2008 में। तो अब ये वाला जो एनालिसिस है इस पे लग रहा है कि काई निशिकोरी के लिए जबरदस्त मैच होने वाला है और जापान की सारी उम्मीदें काई निशिकोरी पर ही है क्योंकि पहले थी नोआमी ओसाका बाहर हो रही है। तो दोस्तों बढ़िया मैच देने को मिल सकता है हमें काई निशिकोरी का। और जैसे कि पता कि ह्यूमिडिटी कंडीशन हो रही है तो फाइनली ओलंपिक्स फेडरेशन ने, टेनिस फेडरेशन ने उनकी बात सुन ली, प्लेयर्स की बात सुन ली। अब जो भी मैच हो रहे वो 3 PM के बाद ही हो रहे मैचेस ताकि थोड़ी ह्यूमिडिटी में कमी आई हो। तो ये अच्छा संकेत है प्लेयर्स के लिए और प्लेयर्स को 10 मिनट्स की ब्रेक भी अलाउ कर दी गई है मोर कि अगर वो चाहते हैं। तो ये अच्छे संकेत है टेनिस प्लेयर्स के लिए क्योंकि बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ढेर सारा प्यार दें। और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो दोस्तों और ढेर सारा प्यार देते रहो। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।